पर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। कैलारस थाना क्षेत्र के रिजौनी गांव में गणपति झांकी में नाच गाने को लेकर चली गोलियां, जिसमें पंचायत सचिव की लाइसेंसी बंदूक से चली गोलियां, जो बनवारी कुशवाहा शासकीय शिक्षक के पिताजी राम रतन कुशवाहा उम्र 60 वर्ष की छाती में लगी गोली। आनन फानन में थाने को सूचना न देते हुए ग्वालियर ले गए, जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि डीजे पर डांस करते समय ग्राम पंचायत रिझौनी के पंचायत सचिव अरविंद सिकरवार की लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से 2 फायर हुए हैं, जो कि घायल व्यक्ति राम रतन कुशवाहा के सीने के पास और पैर में लगी है, जिसके बाद गांव में चीख पुकार मच गई। देखा तो घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसे कैलारस अस्पताल से रेफर कराकर ग्वालियर भेजा गया है। घटना के समय मौजूद ग्रामीणों ने बताया है कि उक्त पंचायत सचिव शराब के नशे में था और डांस की जिद कर रहा था, इसी कारण हादसा हुआ है। घायल व्यक्ति के भाई सरमन कुशवाहा ने बताया कि हमारा बड़ा भाई राम रतन कुशवाहा अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी पंचायत सचिव अरविंद शिकरवा निवासी पचेखा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर किए, जो कि दोनों गोलियां मेरे बड़े भाई को लगी हैं। बड़ा भाई है राम रतन, मैं छोटा भाई हूँ सरमन, तो जे मैं बैठे हटे मैंने गोली चलाई तो 2 फायर करे, दोनों लगे हैं। अरविंदर शिकरवार पचेखा वाले सेक्रेटरी